हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, जिसे मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की अलग अलग कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो राइज होना चाहिए वो ये कि हम इसकी अलग अलग कैटेगरीज क्यों बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे बच्चों कि कोई भी सॉलिड हो, चाहे आपके घर में रखा हुआ नमक हो या मेरे पास जो मार्कर है वो, ये दोनों सॉलिड स्टेट में स्टूडेंट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर मैं इसको देखूं तो इसके अंदर कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे मिलकर ये बना होगा। तो अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड एक एटम से मिलकर बना है तो हम इसको कहते हैं बच्चों कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। अगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है तो बच्चों उसका नाम पड़ जाता है मॉलिकुलर सॉलिड। अगर वो आयन से मिलकर बना है बच्चों तो उसका नाम पड़ जाता है आयनिक सॉलिड। और अगर वो मेटल कर्नल से मिलकर बना है बच्चों उसका नाम पड़ जाता है मेटालिक सॉलिड। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं वो इस बेस पे बनाई गई हैं कि वो किस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, उसका एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स क्या है उसके अंदर, या एटम्स हैं या आयंस हैं, किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। तो बच्चों टोटल हम लोग कोवेलेंट फर्स्ट, मेटालिक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो बच्चों टोटल चार तरीके के हम लोग सॉलिड डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने तीन तरीके के जो हैं कैटेगरीज दो यहाँ शो कर रखी हैं, दो में भी और आपको शो करूँगा। बच्चों ध्यान दें, सबसे पहले हमारा आयनिक सॉलिड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आयनिक सॉलिड किससे बना होगा, आयन से बना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले तो NaCl को ले लेते हैं। तो NaCl एक आयनिक सॉलिड है जो एक कटायन और एक अनायन से मिलकर बना हुआ है। जैसा आपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है या दो चार्ज होते हैं उसके बीच में एक फोर्स लगता है, जिसको हम कहते हैं बच्चों कोलंबिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मतलब ये कि अगर आयनिक सॉलिड है तो आयन से मिलके बना हुआ है और उसके बीच में फोर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो है आपका कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हार्ड होता है काफ़ी ज़्यादा। एंड वन मोर थिंग कि इंसुलेटर है सॉलिड स्टेट में। बच्चों देखो जो नमक होता है जब सॉलिड स्टेट में होता है, जब सॉलिड स्टेट में होता है तो बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ होता है, एक हाई फोर्स अट्रैक्शन जुड़ा होता है, लेकिन जैसे ही पानी में डालते हैं या मेल्ट करते हैं फूट जाते हैं। इसी वजह से जब वो सॉलिड स्टेट में होता है स्टूडेंट तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही आप उसको मोल्टन स्टेट में या एक्वा स्टेट में लाते हो तो देयर आयंस गेट फ्री एंड दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन रहता है विच टाइप ऑफ सॉलिड इज कंडक्टर इन एक्वा स्टेट बट इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, एंड दैट इज अ आयनिक सॉलिड। तो कितना हाई अट्रैक्टिव फोर्स है बच्चों, तो दैट्स वाई इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। एंड द नेक्स्ट इज द मॉलिकुलर सॉलिड। तो मॉलिकुलर सॉलिड जैसे मैंने आपसे कहा ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, इससे बना होता है बच्चों मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स हमारे तीन तरीके की होते थे अगर हम 11th क्लास की बात करें। एक होता था बच्चों पोलर, जिसे पोलैरिटी क्रिएट होती थी, एक होता है नॉन पोलर जिसमें पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती थी, और तीसरा है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब अगर कभी भी हाइड्रोजन जो है एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो तो वहाँ सॉलिड बनता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। तो तीन तरीके के मॉलिक्यूल सॉलिड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है बच्चों। तो पोलर मॉलिक्यूल अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं पोलर मॉलिक्यूल के बारे में। तो जैसे HCl हुआ करता, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ऐसे पोलैरिटी क्रिएट होती थी बच्चों। और नॉन पोलर के बारे में बात करूँ जैसे Cl2 है स्टूडेंट्स, इस पे कोई पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती थी। तो ध्यान रखना है बच्चों कि डिपेंडिंग अपॉन ये किस तरीके का मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर सॉलिड, और अगर बच्चों वहाँ हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो बच्चों हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। तीनों में से किसी के पास आप देखो किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं है, तीनों में से कोई भी इंसुलेटर नहीं, बस सारे इंसुलेटर है, कोई भी कंडक्टर नहीं है। क्यों है बच्चों? क्योंकि किसी में भी आयन स्प्रे नहीं है, यहाँ तो पोलैरिटी नहीं बन रही है, यहाँ पोलैरिटी बन रही है पर इतना नहीं है कि वो टूट जाए, ब्रेक डाउन कर जाए। जब तक वो HCl- नहीं बनाएगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा बच्चों। तो वही यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं बच्चों कि अगर आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो फोर्स कैसा होता है, लंडन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स या इंड्यूस डाइपोल फोर्स। और अगर पोलर होता है तो थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, डाइपोल थोड़ा इससे स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आप देखोगे कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू बहुत कम है पर इसकी थोड़ी सी ज़्यादा, और इसकी उससे थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती है बच्चों। लेकिन फिर भी हम कहेंगे उतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है।
तो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्यों डालते हैं? बिकॉज उसके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हैं। एटम होते हैं बच्चों कोवेलेंट सॉलिड, अगर वो आयंस होते हैं तो आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूल होते हैं तो मॉलिकुलर सॉलिड, डिपेंडिंग अपॉन कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर में आ जाएगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, नॉन पोलर है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड है, किस तरीके का उनके बीच में फोर्स है, कैसा उसका फिजिकल नेचर है और किस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये पॉइंट्स मैंने आपसे स्लाइड में डिस्कस किया बच्चों कि तीन चार तरीके के हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाए हुए हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा, तो इस स्लाइड में आप लोगों से कोवेलेंट और मेटालिक सॉलिड के बारे में डिस्कस करूँगा।